हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ ये हैंडरिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 11th, 12th एंड बीएससी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड कंप्लीटली इफ ऑल the four quantum numbers are known, and the scientist W. Pauli in 1925 put forward a principle which control the assignment of values of four quantum numbers. It is known as Pauli exclusion principle and is state as no two electron in an atom can have all the four identical quantum numbers. ठीक है, so पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, इसको समझने से पहले क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो पिछले वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है इस यूनिट से रिलेटेड। सो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। सो हमने पूरे जितने भी थ्योरी पढ़े क्वांटम नंबर पर, हा उसमें एक पॉइंट ये जाना कि कोई भी एटम होता है उसके बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर जो है सेल्स होते हैं। इस सेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, और एक पर्टिकुलर एटम का जो एक इंडिविजुअल अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के जो है चार क्वांटम नंबर होते हैं, और इन चार क्वांटम नंबर की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एटम में किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का उसका पोजीशंस, ठीक है, न्यूक्लियस से उसकी दूरी, उसका जो है एनर्जी, ठीक है, ये सब कैरेक्टराइजेशंस कर सकते हैं। किसकी सहायता से? क्वांटम नंबर की सहायता से। ठीक है, चार क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी एटम के, एक इलेक्ट्रॉन के। ये चार कौन कौन से होते हैं आपके होंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। इन चार क्वांटम नंबर की सहायता से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पोजीशन को जो है हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे वही पॉइंट बताया है, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड कंप्लीटली इफ ऑल फोर क्वांटम नंबर आर नोन। ठीक है, अगर हमको चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का पता है तो हम ये जो है उसके पोजिशन, उसके एनर्जी लेवल, ये सबको जो है कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन डब्ल्यू पॉली ने अपना प्रिंसिपल दिया 1925 में, और उन्होंने बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव ऑल द फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पूरे प्रिंसिपल का। पॉली ने बोला कि अगर कोई एटम, ठीक है, पॉली ने बोला कि अगर किसी एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं। ठीक है, सेम एटम में जो है दो इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं, ये बताया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक है, पॉली नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। कैसे? थस एवरी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिफर फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन इन टोटल एनर्जी, एंड देयरफॉर देयर कैन बी एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन सेल एज देयर आर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वही पॉइंट है ये कि चारों क्वांटम नंबर कभी समान नहीं होते हैं, बेसिकली इनका एनर्जी लेवल सेम हो सकता है। ठीक है, एनर्जी लेवल मतलब सेम ऑर्बिट में सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, एनर्जी लेवल सेम हो सकता है, लेकिन इसके चारों क्वांटम नंबर में से कोई ना कोई क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, इवन इफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स हैव फर्स्ट डियर three identical quantum number, the fourth must be different. It means that the two electron having same size, shape and space orientation cell have opposite spin. ठीक है, ठीक है, N, L, M, मान लो ये चारों जो है सेम हो सकता है। जैसे किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका जो है एन एल एम सेम हो सकता है, लेकिन एस तो डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि एस मतलब देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा हो गया तो एक के लिए +1/2, एक के लिए -1/2 होगा, मतलब चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं। ये मेन जो है कॉन्सेप्ट, पहला प्रिंसिपल बताया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, एंड इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रिंसिपल के। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहां से एक और पॉइंट भी हम यहां पे समझ सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। उन्होंने मेनली दो कॉन्सेप्ट बताया था, एक तो वही कि चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते, और एक ये बताया था कि कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन
ही आ सकते हैं, ठीक है। किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, जैसे एस के लिए हमको पता है, इसमें इस प्रकार से आता है, ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में जो है ये इस प्रकार के तीन में बांटा जाता है, तो हर एक ऑर्बिटल में जो है इस प्रकार के दो दो इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। तो वही एक और ये भी बताया कि हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं, ये बताया था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस ये है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट इट इज हेल्पफुल टू डिटरमिनेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ मेन एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट, ठीक है। सो बेसिकली एक एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये जो है हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की सहायता से पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉली एक्सक्लूजन का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस। अब हम इसके एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या कहता है। आई होप कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा, बेसिकली क्या है, वही है ना, बेसिक पॉइंट्स क्या है। एग्जांपल, जैसे वी कैन टेक अ न्यूट्रल हीलियम एटम एज अ कॉमन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एग्जांपल, द एटम हैज टू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दे ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट सेल विद अपोजिट स्पिन। हियर वी विल फाइंड दैट द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 1s सबसेल्स वेयर n इक्वल टू 1, l बराबर 0, m बराबर 0 एंड देयर स्पिन मोमेंट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। वन विल बी ms लाइक माइनस 1/2 एंड 1 इज प्लस 1/2। सिंपल सा है, जैसे मान लो यहाँ पे हीलियम का हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। हीलियम में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस प्रकार से एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s में, मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो n है हमारा, ये क्या है, एक है, ठीक है। n जो है मुख्य क्वांटम नंबर एक है। l क्या है, n माइनस 1 होता है, तो l जो है 0 हो जाएगा हमारा। l जो है 0 है, s के लिए 0 ही होता है l, ठीक है। और m 0 हो जाएगा, ठीक है, m भी 0 होगा। तो यहाँ पे वही, मतलब तीनों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दोनों के लिए ये जो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 होगा, l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा, लेकिन इसका स्पिन क्वांटम नंबर s बराबर जो है डिफरेंट होगा। जैसे इसके लिए ये ऊपर साइड गया है तो प्लस 1/2, नीचे साइड है तो माइनस 1/2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वही ये पूरा प्रिंसिपल यही इसी प्रकार बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी समान नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर समान नहीं होते हैं। तीन अगर समान है तो भी चौथा डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर अलग अलग सेल्स में भी प्रेजेंट है, अलग अलग ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट है, तो भी सेम होगा। इन दोनों का अगर हम बात करें, ठीक है, आउटर मोस्ट का, इसका और इसकी बात करें, तो देखिए इसका n जो है डिफरेंट है, ठीक है। n इसका एक होगा, इसका दो होगा, ठीक है। l इसका डिफरेंट होगा, m ठीक है, लेकिन ये स्पिन भी, ये नीचे साइड है, ये ऊपर साइड है, तो डिफरेंट होगा। तो इस प्रकार से मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है एग्जांपल्स आप समझा सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हम यूज किस प्रकार करते हैं। सो द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प्स टू एक्सप्लेन द वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फिनोमेना। ओके, सो इसके द्वारा हम किसी भी एटम के फिजिकल फिनोमेना को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इट हेल्प टू डिस्क्राइब द वेरियस केमिकल एलिमेंट्स एंड हाउ दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड किस प्रकार से बनाते हैं। इसके अलावा द पीरियोडिक टेबल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की सहायता से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, ठीक है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो यूज इन ऑस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, ऑस्ट्रोफिजिक्स में जो है इसका यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कभी कभी पूछ लिया, एप्लीकेशन से कभी कभी पूछ लिया जाता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एप्लीकेशन डिस्कस कीजिए, तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड ये एग्जाम्पल्स में आप ये समझा सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के एग्जाम्पल में, एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सा है ये पूरा, तो थ्योरी, बेसिकली थ्योरी एग्जाम्स में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, तो ये थ्योरी आपको लिखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इज एन एटम कैन हैव ऑल द फोर आइडेंटिकल क्वांटम नंबर, बाकी पूरा आप अपने से लिख सकते हैं। मेन ये डेफिनेशन एग्जैक्टली ये आप याद रखिए कि दो भी किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ स्टोर का, जहां से आप बीएससी एनएमएससी लेवल के सारे हैंड रिटन नोट्स यूनिट वाइज ले सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।